बहुत सुंदर किया था, इसको पेंट जरा कर दीजिएगा ये रेड और फिर ये ग्रीन, ये कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर है। इस कॉम्बिनेशन में देखिए ग्रीन को टच नहीं करना है, वो अच्छा बॉर्डर ये ठीक है। श्योर इसमें नो प्रॉब्लम दो दिन बज जाता है, हम समझ गए उसमें गड़बड़ था तो कुछ हो जाता है। अब इसको आराम से लगा के और बच्चे भी इसको यूज करना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, चेंज कर लेंगे सर। हमने ऐसा होता है सर, ये प्लाई है, प्लाई करना क्या है सर, ये जो है ना ये टीक का लकड़ी या सखुआ का लकड़ी को सेम यही नाप से उसको वाइट कर देना है और ऊ चलेगा देखिए। 11वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन आगे 20 से 30 अक्टूबर तो यहाँ पर आयोजित हो रहा है। जैसा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप हुआ था सिमडेगा का, वो सबसे बेस्ट आयोजन था पूरे हिंदुस्तान में, नहीं पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चाएँ हुई थी। और हम लोग को पूरी कोशिश है कि जूनियर नेशनल जो है उससे कहीं अच्छा करके इसको आयोजन करवाए और उससे कहीं अच्छा संदेश पूरे भारत में जाए। उसी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को इसको ओपनिंग करने के लिए सहमति अपनी प्रदान कर दिए हैं और उस समय आने के बाद और भी कुछ और है वो आप लोगों को खुद मालूम, जिला प्रशासन के द्वारा या झारखंड सरकार के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा। टोटल अभी 27 टीमें कन्फर्म कर दिया है, यहाँ पर 27 टीमें अभी तक नेशनल में भाग लेने के लिए कन्फर्म है। एक टोटल 31 टीम है मगर 27 टीम अभी तक कंफर्म है, अगले बार 22 टीम ही आई थी, अभी तक 27 टीम कंफर्म कर दिया है। और हम लोग को हॉकी झारखंड का पूरा प्रयास होगा कि झारखंड सरकार के सहयोग से, जिला प्रशासन सिमडेगा के सहयोग से इसको एक सफलतम आयोजन फिर कराएं, जिसकी चर्चाएं और जिसकी एक जो छाप गई है सिमडेगा का, जिस तरह से हॉकी नर्सरी में इसका नाम था उसी तरह से आयोजन में भी इसका नाम हुआ है। तो हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि हिंदुस्तान में फिर उसी तरह से सिमडेगा का नाम होगा।